हेलो फ्रेंड्स, थ्रीज किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं पास्ता पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पकोड़ा सबको बहुत ही पसंद आता है, तो चलिए पास्ता पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बॉईल किया हुआ पास्ता लिया, इसे मैंने हाफ कुक्ड किया है, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ही बॉईल किया है इसे। और अब हम एक बाउल में ये बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई अनियन, शिमला मिर्च और गाजर लिया है, इसे भी ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून धनिया पत्ती ऐड करना है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे, हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। दो टेबल स्पून रेड चिल्ली सॉस भी ऐड करना था, मैं भूल गई थी, तो आप पहले ही इसे ऐड कर लें जब बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर इसे मैंने मिक्स कर लिया, पकोड़े का मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके इसमें इस तरह से ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे। बिल्कुल इजी है ये और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम इसे चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर, और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है ये। और बाकी भी के भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, पास्ता पकोड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब फ्राई कर लिए हैं, और इसे टोमेटो सॉस या ग्रीन चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही गर्म है ये, देखिए कितना यम्मी दिख रहा है। और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी।